135 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है भारत देश में, जिसमें कि 65% जो है वो युवा वर्ग है। इसके साथ साथ 6 करोड़ 80 लाख से ज्यादा हमारे देश में ग्रेजुएट्स हैं, जो कि हर साल 35 लाख की दर से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बात को कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेशों में कहीं नहीं थकते। पूरे विश्व में सबको पता है कि भारत युवाओं का देश है, भारत युवाओं का देश है। साथ ही साथ $3 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है भारत देश की। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत की इकोनॉमी आज भी बहुत ज्यादा पीछे है? ऐसी क्या वजह है कि भारत आज भी विश्व के पिछड़े देशों में आता है? ऐसी क्या वजह है कि देश की 5 करोड़ 35 लाख लोगों की जनसंख्या जो कि मात्र 26 रुपए गांव में और मात्र 32 रुपए शहरों में नहीं कमा पा रही है? आखिर ऐसे क्या वजह है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद भारत जो है पॉवर्टी लेवल में 112वीं रैंक में आता है? देश की बढ़ती पॉपुलेशन को कभी हम पॉजिटिव वे में देखते हैं और कभी हम देखते हैं नेगेटिव वे में। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत की इकोनॉमी आज भी खराब, बद से बदतर लगातार होती चली जा रही है? इतनी बड़ी प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से सुझाव है, ऐसे कौन कौन से स्टेप है जिसे लेने के बाद हम भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बीच में स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल गुरुकुल। दोस्तों, इसे हम एक समोसे की दुकान के एग्जांपल से समझते हैं। समोसे की दुकान जो कि बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है, बहुत फेमस दुकान है, इतनी फेमस दुकान है कि ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, इतनी फेमस दुकान है कि वहां पर जो कस्टमर्स है उनको वेट करना पड़ता है, कई बार ये जो वेटिंग टाइम होता है आधे आधे घंटे तक का भी हो जाता है। तो ऐसे में एक दिन जो दुकानदार है वो ये देखता है कि यार कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो वेट तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं और साथ ही साथ उनमें से कई ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो जल्दी में रहते हैं तो वो वापस चले जाते हैं। तो आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरे कस्टमर्स भी वापस ना जाएं, मतलब ये भी रिटेन हो जाएं और साथ ही साथ मैं इनको सर्विस जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से कर सकूं, मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। सिंपल सा लॉजिक था। तो ऐसे में उस दुकानदार ने क्या किया, एक और वेल स्किल्ड कारीगर एक वो अपने साथ में ले आया, उतना ही वेल स्किल्ड जो उतने ही अच्छे समोसे बना सकता था और उतनी ही स्पीड में बना सकता था, मतलब 1000 समोसे प्रति घंटे वो बना सकता था। तो मतलब एक कारीगर वो जो 1000 पहले से बना रहा था, अब एक कारीगर नया जो कि 1000 दोबारा बनने लगा, मतलब अब जो उसका जो प्रोडक्शन है वो 2000 समोसे प्रति घंटे का हो गया है। अब क्या होता है, कस्टमर्स की रीच और ज्यादा बढ़ती है, दुकान और ज्यादा चलती है, वेटिंग टाइम लगभग हाफ हो जाता है, लेकिन अभी भी अगर समोसे खाने के लिए कस्टमर को 15 मिनट का इंतजार करना पड़ रहा है तो ये उस कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा है। जो जल्दी वाले कस्टमर्स हैं वो अभी भी वापस चले जा रहे हैं। तो अब दुकानदार फिर सोचता है कि यार ऐसा क्या किया जाए कि ये जो मेरा कस्टमर्स है ये रिटेन हो जाए, मतलब मेरी जो सेल है वो और ज्यादा बढ़ जाए और मुझे और भी ज्यादा प्रॉफिट आए। अब वो क्या करता है, अब वो फिर से एक और वेल स्किल्ड उतनी ही स्पीड में उतने ही अच्छे समोसे बनाने वाले को पकड़ के लाता है। और अब क्या होता है कि उसके पास 1000 समोसे यानी कि 3000 समोसे प्रति घंटे की कैपेबिलिटी वाली मैन पावर है। लेकिन अब परेशानी क्या आती है कि पहले जो दो लोग मिलकर 2000 समोसे बना पा रहे थे, इस बार वो लोग सिर्फ और सिर्फ 2500 समोसों की प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अब दुकानदार ने छोटा सा गणित लगाया, क्या कि एक जो कारीगर है वो 1000 समोसे बनाता है, दो कारीगर 2000 समोसे बनाएंगे तो तीन कारीगर हैं तो 3000 समोसे बनाने चाहिए, एक सिंपल सी मैथ्स है। लेकिन यहां पर एक आता है ट्विस्ट, वो जाता है उन कारीगरों के पास और उससे पूछता है कि भाई ऐसे क्या वजह है कि आप 1000 समोसे बना सकते हो, आप इतनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर, तो ऐसा क्या है कि मेरे पास जो समोसे की प्रोडक्शन आ रही है वो 2500 समोसे की आ रही है। तो कारीगरों ने एक सिंपल सा जवाब दिया कि हम कारीगर तो तीन हैं लेकिन हमारे पास जो कढ़ाई है जिसमें हमें समोसे तलने हैं वो हमारे पास सिर्फ दो है। तो ऐसे में जब दो वर्कर्स एक साथ लगे रहते हैं काम करने में तो तीसरे वाले को वेट करना पड़ता है, जब तक इन दोनों का काम खत्म होता है तब जाकर तीसरा वाला अपना प्रोडक्शन को कर पाता है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा कम होता चला जाता है, क्योंकि जो तीसरा वर्कर है उसकी सारी की सारी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। वजह क्या है कि उस दुकानदार के पास इक्विपमेंट्स की कमी है, मींस यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ने काम किया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, इसको हम बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझें कि हमारे पास वर्कर्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन के लिए जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए
जो हमें टेक्निक्स चाहिए, जो हमें मशीन चाहिए, वो हमारे पास बहुत कम है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास मैन पावर तो बहुत है, हमारे पास लेबर बहुत है, लेकिन क्योंकि हमारे पास में इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए वो जितनी की जितनी मैन पावर है वो सारी सारी हमारी बेकार हो जाती है। मीन सिंपल सी भाषा में, अगर आप लेबर कॉस्ट तो बढ़ा दोगे लेकिन प्रोडक्शन में जो इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो कम रखोगे तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एक पुरानी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा लॉ काम करता है वो क्या करता है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, लेकिन एक लिमिट में। लिमिट के बाद अगर आप पानी की मात्रा को नहीं बढ़ाओगे, आप गुड़ ही गुड़ बढ़ाते चले जाओगे, तो उसकी मिठास उस रेशियो में नहीं बढ़ेगी जिस रेशियो में बढ़नी चाहिए थी। प्रॉब्लम तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? क्या हम ऐसे ही गरीबी में पड़े रह जाएंगे? क्या हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे? इसका आंसर है नो। अगर हमारे देश का सिस्टम चाहे, अगर हमारे देश की सरकारें चाहे, थोड़ा सा भी अगर वो सीरियस होना चाहे, तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, आपके पास मैन पावर्स बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मैन पावर्स को स्किल्ड करना पड़ेगा, आपको उन्हें प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके पास जो इक्विपमेंट्स की कमी है आप उस कमी को भी दूर कीजिए। आप बाहर से टेक्नोलॉजीज को बाहर लाइए। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप बाहर वाले देशों को आप बोल सकते हो कि आप हमारे देश में आके इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि आजकल हो भी रहा है। FDI जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी लगभग एक इसी चीज का ही एक एग्जाम्पल है। मीन्स हमें अपने स्किल्स के साथ साथ में अपनी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाना पड़ेगा, अपने इक्विपमेंट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखना है कि अगर आपको एक अमीर देश बनना है तो आपको अपनी क्वांटिटी पे तो ध्यान देना ही देना है, आपको अपनी क्वालिटी भी अप टू द मार्क रखनी है। आपकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, आपने जो प्रोडक्शन किया है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपकी जो वर्कर है, आपकी जो मैन पावर है, आपकी जो लेबर है, वो प्रॉपर एक वेल स्किल्ड होनी चाहिए। तो मीन सिंपल सा सॉल्यूशन है, जब तक देश में स्किल्स की अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक हमारे इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं आएंगे, जब तक हमारे यहाँ बाहर से कैपिटल नहीं आएगी, तब तक हमारा देश यूं ही गरीबी में जीता रहेगा। और एक बात याद रखना कि जो देश आज सबसे ज्यादा युवा होने का डंका पीट रहा है, उस देश को बूढ़े होने में मात्र 40 साल लगेंगे, और वो देश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बूढ़े देशों की गिनती में भी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ वो सुधार जो कि हम सिस्टम के भरोसे कर सकते हैं या हम सरकार के भरोसे पर रह सकते हैं, लेकिन हमें पर्सनली क्या करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल है कि देश का लगभग 30% जो युवा वर्ग है, जो कि ग्रेजुएट है, वो अपनी ग्रेजुएशन को पूरा होते ही सरकारी नौकरियों की तैयारी में लग जाता है। सरकारी नौकरी बहुत अच्छी चीज है, हर किसी को देश की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी ज्यादा विपरीत है। हमारे क्या होता है कि इसी सरकारी नौकरी की तैयारी में हमारे देश का यूथ है वो 5-5, 6-6, 10-10 साल तक लगा देता है प्रिपरेशन करने में। सोचने की चीज सिर्फ इतनी सी है कि एक छोटी सी नौकरी वहां से मिलेगी, आपको एक जॉब सिक्योरिटी आपको मिल रही है, आपको देश के लिए काम करने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन किस कॉस्ट पर? ये जो 5 से लेकर 7 साल अपने एक गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए जो आपने टाइम लगाया है, वो टाइम जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद किए हैं, वो टाइम जो कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करने में यूटिलाइज कर सकते थे, उस टाइम को हम वेस्ट कर देते हैं किस में? गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। गवर्नमेंट जॉब, मैं फिर से कहता हूं, बहुत अच्छी है, बहुत वेल सिक्योर्ड है, एक हाईली पेड जॉब्स होती हैं, लेकिन परेशानी क्या है, कीमत क्या है इसकी? इसकी कीमत यह है कि देश में तैयारी तो 40% यूथ कर रहा है, लेकिन जो जॉब लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों की लगेगी। और देश के प्रधानमंत्री क्या, देश की सरकारें भी इस चीज को बोल चुकी हैं कि इतनी ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं है हमारे यहाँ कि हम सारे यूथ को एक साथ हम इसमें लगा सके। तो मीन्स बहुत ही गिनी चुनी नौकरियां हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोई बहुत बड़े लेवल पे, मतलब 5-7 साल लगाना, मेरे ख्याल से, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, 5 से लेकर 7 साल लगाना किसी एक जॉब के प्रिपरेशन में थोड़ा सा इलॉजिकल है। तो ऐसे में हमें अपना कोई 5-7 साल का टाइम हमें नहीं लगाना है, हम एक छोटा सा टाइम टेन्योर, जब हम कॉलेज लाइफ में हम उस वाले टाइम को, या फिर हम 1 या 2 साल के प्रिपरेशन करके हम इसको बराबर कर सकते हैं। अगर हमें जॉब मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती तो हमें किसी और स्किल में, किसी और प्रोफेशन में हमें अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए ताकि हम उसके स्किल्स को हम ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो दोस्तों, ये थे मेरे ओपिनियंस
कि देश की इकोनॉमी को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लगातार इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।